सस्यकाल सलाम है नमस्ते, मेरा नाम है अनुज खेत्रपाल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो कि आपको लगेगा कि हाँ आज कुछ मजा आया वीडियो देख के। सो आज मैं गाइस आपके लिए लेके आया कंपैरिजन, एक ऐसा कंपैरिजन, अगर आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाते हैं, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोज बनाते हैं, आप इंस्टाग्राम पे वीडियोज बनाते हैं, आप फेसबुक पे वीडियोज बनाते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाते हैं, तो ये आप वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि कौन सा माइक आपके लिए बढ़िया है और इस माइक में जेन्युइनिटी आपको कैसे पता चलता है कि ये माइक जेन्युइन है कि नहीं है। गाइस आपको पता ही होगा कि आजकल जैसे कि कोई भी एक ब्रांड होता है कि जो कि चढ़ जाता है मार्केट में, तो उसके जो बहुत सारे मतलब डुप्लीकेट प्रोडक्ट हैं वो आते हैं मार्केट में, आ जाते हैं। जैसे प्यूमा, अगर हम शूज की बात करते हैं, आप देखेंगे अगर हम प्यूमा शूज अगर हम नॉर्मल शोरूम से जाके खरीदे तो हमें बिल्स और ये सब चीजें मिलती हैं, और अगर हम नॉर्मल हम कहीं नॉर्मल इधर उधर प्यूमा शूज ले लें तो उसके कितने ही कॉपीड शूज आते हैं। तो आज मैं एक ऐसे ही एक माइक की बात करने वाला हूं जो कि आप सबको शायद पता ही होगा, बोया माइक के बारे में, जो कि एक कॉलर माइक है। और आपको मैं ये बताऊं सबसे पहले कि ये माइक में मतलब ये माइक सबसे बेस्ट माइक में आता है और इस माइक का सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी ही इसी माइक की है। मतलब वो कहते हैं ना कि जो एक ब्रांड है, एक ब्रांड बन गया है, अब उसका सबने बोया माइक कर करके उसको बेचना स्टार्ट कर दिया है। तो फटाफट से आज मैं आपको इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि बोया माइक के जो जेन्युइन है और जो जेन्युइन नहीं है उसको आप पता कैसे लगा सकते हैं, कहाँ से बाय कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं उसकी फर्स्ट जो आगे आपकी पहली नजर होती है कि उसको पहली नजर में कि कैसे बताएं कि हाँ ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो आज आप देखेंगे ये मेरे पास दो बोया माइक हैं और अगर आप इनको देख के बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली है, इसको आप देख के आगे से या इसको अगर आप देखेंगे पीछे से या साइड से किसी भी एंगल से आप इसको नहीं बता सकते हैं कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तो बहुत बारीकी बारीकी से अगर आपको इसमें देखना पड़ेगा कि कैसा असली है और कौन सा नकली है, इसके अंदर क्या क्या है, मैं आपको दोनों चीजें आपको दोनों माइक्स का बताता हूँ कि कौन सा असली और कौन सा नकली है। और उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो ये माइक है ये हमने अमेजोन से ऑर्डर करा है और ये जो माइक है ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा असली और कौन सा नकली है। और अगर आप प्राइस भी देखेंगे दोनों का, ये इसका जो हमने अमेजोन से ऑर्डर करा है इसका प्राइस है 970 रुपीज और जो हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा है इसका प्राइस है 537 रुपीज। तो अब ये बात भी सही है क्योंकि इसका प्राइस कम है, तो क्योंकि डुप्लीकेट है बेसिकली प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात है अगर आप ये देखेंगे मैंने बार कोड स्क्रैच करके रखा हुआ है क्योंकि मैंने बोया माइक में कंप्लेंट्स भी कर चुका हूँ, मैं उनमें मेल भी डाल चुका हूँ कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे को बताइए कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो मैं फटाफट से आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या निकलता है और कैसे कैसे होता है और कौन सा जेन्युइन है, आपको बॉक्स से इसकी पैकेजिंग देख के कैसे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें जेन्युइन है कि नहीं है। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंपैरिजन, ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही टेक न्यूज लाता रहूं। तो गाइस ये मैंने दोनों बॉक्स को अनबॉक्स कर दिया है और अगर हम अंदर सामान की बात करें तो सामान ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल सेम है। अगर आप दोनों में कवर की बात करें तो दोनों के कवर आप देख पा रहे होंगे सेम है और दोनों के माइक की बात करें तो दोनों के माइक सेम है और एसेसरी की बात करें एसेसरी सेम है। इसकी एसेसरी मैं इसके अंदर डाल चुका हूँ माइक के अंदर, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि अब उसमें छोटी 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 गलतियां क्या है जो कि ओरिजिनल में आपको और डुप्लीकेट का पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉक्स की। ये दो बॉक्स हैं अगर हमारे सामने, अगर हम सबसे पहले बॉक्स की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे कि इन दोनों में कलर डिफरेंस है, बेसिकली ये हमारा फेक प्रोडक्ट है राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा जेन्युइन प्रोडक्ट है। और अगर आप सबसे पहले अगर हम कलर देखते हैं तो जो इसका कलर है ब्लूश, जो इसका टोन है वो इसमें डार्क टोन है और इसमें लाइट टोन है। मैं आपको थोड़ा क्लोजअप करके दिखाता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ आए। तो अगर आप टोन देखेंगे तो ये इसका कलर में फर्क है। सेकंड हम बात करते हैं इन दोनों पिक्चर्स की। पिक्चर्स में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है ये थोड़ा ब्लरी पिक्चर है और ये थोड़ा क्लियर पिक्चर है। बाकी आपको कोई बॉक्स में आगे पीछे साइड से कोई ऐसा वो नहीं है जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा जेन्युइन है और कौन सा जेन्युइन नहीं है। और सबसे मेन पॉइंट है जो कि आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है दोनों में, इसमें आपको मिलेगा स्क्रैच कार्ड जो कि फेक प्रोडक्ट है। इसको ये मैं स्क्रैच कर चुका हूँ, इसमें एक ये नंबर लिखा हुआ है
ये एक स्क्रैच कार्ड है, इसको आपको फिर स्कैन करके या आप उनको मेल करें। मैंने वैसे उनको स्कैन करके भी मैंने देखा था, इसमें फेक लिखा हुआ आया था और इसमें जेन्युइन लिखा हुआ आया था, बट मैंने फिर भी उनको मेल भी करा है। मेल मैं एकदम एंड में मैं उसके स्क्रीनशॉट और चैट जो मेरी हुई है मैं आपको दिखाऊंगा, वो बिल्कुल वीडियो के एंड में आप उसको देखना और चेक करना। तो इसमें स्क्रैच कार्ड है और इसमें नॉर्मल स्टिकर होता है। ये स्टिकर मैंने हल्का सा उतारा था, तो ये देखिए ये स्टिकर यूं उतरता है और ये बारकोड है। इसमें फिर 16 डिजिट का नंबर लिखा होता है, ये आपको स्कैन करना है और ये आपको बोया की वेबसाइट पे ले जाएगा और उसके बाद आपको वहां पे इसकी ऑथेंटिसिटी पता चलेगी कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो ये हुई बॉक्स की बात, अब हम बॉक्स को रखते हैं साइड में और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके मैनुअल्स की, ये देखिए ये इसका वारंटी कार्ड है। सबसे पहले ये फेक का वारंटी कार्ड है और ये जेन्युइन का वारंटी कार्ड है। अगर आप कलर की बात करते हैं तो कलर देखिए, ये व्हाइट कलर है, ये ग्रीनिश टोन है इसमें और इसमें पूरा ए टू जेड चाइनीज से लिखा हुआ है। इसमें इंग्लिश भी लिखी हुई है और चाइनीज भी लिखी हुई है, इसमें दोनों चीजें लिखी हुई है। सेकेंड चीज जो कि है इसमें, अगर आप सिर्फ ऊपर नाम देखेंगे तो सिर्फ उनका वेबसाइट का नाम है और अगर हम इसमें वारंटी कार्ड देखते हैं, ये देखिए इनका ये ऐसे वारंटी कार्ड है जो कि खुलता भी उल्टा है बेसिकली, और ये वेबसाइट के साथ साथ इन्होंने एक और उनका वेबसाइट का नाम दे रखा है। तो ये हुआ वारंटी कार्ड की बात। अब अगर हम मैनुअल की बात करते हैं तो मैनुअल बिल्कुल सेम है, मतलब अगर हम ए टू जेड सेम है, मैनुअल में आप नहीं पता लगा सकते तो मैनुअल को देखने का कोई फायदा नहीं है। इसमें भी पहले होता था कि इसमें 10 पेजेस देते थे फेक वाले, लेकिन आजकल इतना ज्यादा इन्होंने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। ये भी 14 पेजेस के साथ पूरा मैनुअल है, ओरिजिनल भी और डुप्लीकेट भी पूरा 14 पेजेस के साथ है, ईच एंड एवरीथिंग सेम है। तो गाइस मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो मैं लेफ्ट साइड पे सारा रख रहा हूँ, लेफ्ट साइड वाला जेन्युइन है, राइट साइड वाला सारा फेक है। मैं आपको फेक में और जेन्युइन में कंपैरिजन बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं दोनों के अंदर, हमारा एक ये बोया का कार्ड निकलता है, इसका ये रहा और इसका ये रहा। देखिए दोनों के अंदर बोया का एक कार्ड निकलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कार्ड में, ये देखो इसमें भी कार्ड में भी आपको कलर का फर्क पता चल जाएगा जो कि जेन्युइन और रियल में। ये जो है ये जेन्युइन है और ये जो है ये फेक है, और इसका जो फेक है उसमें देखो उसमें बैक सिर्फ फ्रंट साइड पे प्रिंटिंग हो रखी है, बैक साइड पे प्रिंटिंग नहीं है। और अगर हम यही जेन्युइन की बात करें तो जेन्युइन में दोनों साइड प्रिंटिंग है, फ्रंट प्लस बैक। इसको हम साइड पे रखते हैं। अब मैं आपको स्टार्ट नॉर्मल इसका जो जेल होता है ये दिखाता हूं। अब आप ये देखिए ये फेक का जेल है और ये नॉर्मल जेन्युइन का जेल है। तो इसमें भी आप देखेंगे ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा एक लगेगा कि ये देखिए एक थोड़ा बेकार से मटेरियल का है, एक थोड़ा उठाने में भी थोड़ा हैवी है इसके कंपैरिजन में। और अगर आप इसका स्टफ देखेंगे यूं करके तो ये स्टफ भी इसका अलग है। और अब हम बात करते हैं इनके कवर्स की। अगर ये कवर्स भी देखेंगे तो ये जो कवर है इसका ये डार्क में है और इसका जो कवर है ओरिजिनल का ये लाइट है। तो कवर में भी वैसा पता नहीं लगा पाएंगे। अगर मैं आपको बताऊंगा, ये तो मेरे पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट थे, मैंने दोनों को चेक करवाया आगे से, इसलिए मैं आपको कंपैरिजन अच्छे से दे पा रहा हूं। हाँ, अगर आपके पास एक ही माइक है, सपोज आपके पास एक ही माइक है तो आप उसको कैसे पता लगाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो कवर से आप पता नहीं लगा पाएंगे, इसलिए कवर को मत देखना। मेन चीज है जो इसको बॉक्स को देखना, उसके मैनुअल्स को देखना, उसका वारंटी जो भी मैंने आपको इससे पहले ही दिखाया था, इसका जो एक लोगो है बेसिकली बॉक्स के अंदर होगा, इसको देखना। और उसके बाद सबसे बात करते हैं माइक की। अगर आप सिर्फ एक माइक को खोल के भी देख लोगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फेक है और कौन सा फेक नहीं है। इसके एसेसरी जो जेन्युइन है, इसके एसेसरी मैं इंस्टॉल कर चुका हूं क्योंकि मैं देखना चाहता था कि अंदर से भी कैसे, इसकी एसेसरी मैंने इंस्टॉल नहीं करी है। और एसेसरी में भी अगर आप देखेंगे तो पहले इसकी एसेसरी डिफरेंट आती थी, सेल वगैरह सब एक पाउच में था, लेकिन अब इसकी एसेसरी इन्होंने भी डिफरेंट कर दी है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसी कॉपी कर दी है। तो ये इसकी एसेसरी थी। और अब मैं अगर आपको दिखाऊं, ये हमारा फेक बोया माइक है और पहले ये देखिए, पहले जो पहले के फेक माइक्स होते थे उसमें ये चीजें नहीं होती थी, ये बारकोड्स हो गए और माइक्स में यूं लिखा हो गया, ये सब चीजें इसमें नहीं होती थी, लेकिन अब ओरिजिनल और फेक में बिल्कुल ये है। सेकेंड चीज अगर आप इसमें चेक करेंगे तो अगर मैं आप इस माइक को अगर आप खोलते हैं, यहाँ पे मैंने दोनों माइक खोल दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो फेक माइक है, इसके आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो इसमें कोई भी अंदर एक सेल डालने के लिए, हमें एक सेल डाल तो आप लेंगे लेकिन सेंड डालने के लिए एक बैंड मिलता है जिससे आप सेल इजिली बाहर निकाल सकें, इसमें नहीं है वो चीज़, एक थ्रेड है जो कि इसमें नहीं है। और अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें ये थ्रेड है, अगर आपको ये दिख रहा होगा, ताकि आप इजली सेल भी यहां से इसको खींच के निकाल सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे यहीं हम इसके कलर शेड की बात करते हैं ओरिजिनल की और फेक की, तो जो कि हमारा ओरिजिनल का कलर है वो थोड़ा लाइट कलर का होगा
और इसका बहुत ज्यादा जेड ब्लैक कलर है, ये नॉर्मल ब्लैक है, ये बिल्कुल जेड ब्लैक कलर है, आप देख पा रहे होंगे इसमें, तो ये कंपैरिजन है। और अगर हम यही इसके जैक की बात करते हैं तो जैक भी ए टू जेड सेम है, जैक में भी आप पता नहीं लगा सकते हैं। तो गाइस ये इसकी अब जो बिल्कुल ये बहुत लेवल हाई लेवल की अब कॉपीड आने लग गई है। और अगर आप इसको माइक से अगर आप इसको कनेक्ट भी करेंगे, मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो हमारा फेक माइक होगा इसको अगर आप डायरेक्ट अपने फोन में कनेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट आपके फोन में कनेक्ट नहीं होगा, इसके लिए आपको एक ऐप डालनी पड़ेगी जिससे ये चलेगा आगे। और ये जो ओरिजिनल माइक होगा इसको अगर आप डायरेक्ट अपने फोन में 3.5 mm जैक में लगाते हैं तो ये डायरेक्ट कनेक्ट कर जाएगा, एक ये भी मेन डिफरेंस है। तो अगर आप कहीं भी शॉप से ले रहे हैं, कहीं ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अमेजोन से लो, और अगर आप फ्लिपकार्ट से भी ले रहे हो तो फ्लिपकार्ट का सेलर जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जो ये सेलर है ये वाला फेक सेलर है। मैं इस सेलर का नीचे इन्फो दे दूंगा पूरा, इस सेलर का नाम और ये सब भी मैं इस वीडियो में जरूर डालूंगा ताकि आप लोगों को पता रहे कि वो सेलर सेम सेलर है जिससे आप खरीदो। अगर सेलर चेंज होता है इन फ्यूचर तो हाँ ये हो सकता है कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट आए बाद में, ये अभी का नहीं पता, लेकिन आज की डेट में ये जो सेलर है ये फेक प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और अगर यही आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में भी जो हमें मिलता है जो कि वो 500 रुपये 600 रुपये का बोया माइक देते हैं आपको, वो सेम यही माइक होता है, वो जो 600 रुपीज का सेल करते हैं वो यही माइक होता है, और जो मेन ओरिजिनल माइक है वो ये माइक है। तो गाइस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो आप होगा अगर आप बॉक्स से आपको देखना हो तो बॉक्स में आप कलर डिफरेंस देख सकते हैं, ये जो ओरिजिनल होगा उसमें डार्क होगा। और कलर डिफरेंस के बाद सबसे मेन पॉइंट है आप इनके ये छोटे से एक ये कार्ड देते हैं, अपना एक लोगो टाइप देते हैं, ये देख सकते हैं जो कि फेक होगा, ये इसमें बैक में नहीं छपा होगा। गाइस मैं आपको इसलिए चीजें बार बार दिखा रहा हूं ताकि आप इन चीजों को याद रखें, और अगर आप गलती कर चुके हैं तो ये गलती दोबारा ना करें, और अगर आप लेने वाले हैं इस माइक को तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। और हाँ मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा, अगर आप ऑनलाइन, मैं आपको इसलिए प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि उसमें 7 डेज का आपके पास रिप्लेसमेंट वो होती है, गारंटी होती है, और आपके पास चॉइस होता है, तो आप उसको एक दिन में मेल करके या इसको स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो एक ये इसलिए ऑनलाइन मैं आपको प्रेफर करूंगा, और यही अगर आप यही इसको शॉप से लेते हैं तो शॉप में आप इसको पता नहीं लगा सकते हैं कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, इसलिए मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप इसको ऑनलाइन परचेज करें, और सो दैट आप किसकी जेन्युइनिटी आप इसको एक दिन में आप उनको मेल करेंगे, विद इन 24 आवर्स में आपको मेल कर देते हैं, तो वो सब करके आपको बता सकें कि हाँ ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही वीडियो में, और थैंक यू, मैं बाकी सारी सेलर्स की इन्फॉर्मेशन नीचे जरूर डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, और थैंक यू सो मच।